जैसे कृष्ण ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे 12 सितंबर 2024 गुरुवार के संपूर्ण विस्तृत पंचांग की। अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहें व पंचांग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आइए अब शुरू करते हैं आज का पंचांग। इससे पहले आज आप सभी को शुभ दिन की मंगल में शुभकामनाएं। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी वार गुरुवार तारीख 12 सितंबर 2024 है। अब नवमी तिथि रात्रि में 11:33 तक नवमी की तिथि रहेगी, फिर उसके बाद में दशमी की घड़ियां लगेगी। अब चंद्रमा आज पूरे दिन रात धनु का चंद्रमा रहेगा। अब नक्षत्र रात्रि में 9:53 तक मूल नक्षत्र रहेगा, फिर उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। अब योग रात्रि में 10:40 तक आयुष्मान योग रहेगा, फिर उसके बाद में सौभाग्य योग लगेगा। अब कर्ण दिन को 11:47 तक बालव कर्ण रहेगा, फिर उसके बाद में कौलव कर्ण लगेगा। अब बंगला तारीख आज बंगला भाद्रपद मास की 28 तारीख है। अब अग्निवास आज अग्निवास पृथ्वी पर होने से हवन के लिए शुभ रहेगा। अब शुक्र ग्रह आज शुक्र ग्रह चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा रात्रि में 2:53 पर। अब रवि योग आज पूरे दिन रात रवि योग रहेगा। अब नामाक्षर राशि आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर होंगे ये यो भ भा व राशि होगी धनु राशि। अब नक्षत्र पाया आज जन्मे बच्चों के नक्षत्र का पाया होगा तांबे का पाया। अब बात करते हैं भाद्रपद मास की। आज भाद्रपद मास का 24वां दिन है। आज श्री मद भागवत जी जयंती होने से भागवत जी का पूजन करें व चंद्र नवमी होने से रात्रि में चंद्रदेव का भी पूजन करें। अभी ऋतु कौन सी है? अभी शरद ऋतु है और सूर्य दक्षिणायन है। अब आज का त्योहार आज श्री महालक्ष्मी व्रत पूर्ण हो रहा है, श्री चंद्र नवमी है, श्री मद भागवत जी जयंती है व अदुख नवमी है। अब कल का त्योहार कल तेजादशमी मेला है और रामदेव जी मेला भी कल है। अब सूर्योदय व सूर्यास्त आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:26 पर व सूर्य अस्त होगा शाम को 6:41 पर। अब चंद्रोदय आज चंद्र उदय होगा शाम को 6:41 पर व चंद्र अस्त होगा रात्रि में 12:01 पर। अब आज का ग्रह गोचर, ग्रह गोचर में सूर्य सिंह राशि में, चंद्र धनु में, मंगल मिथुन में, बुध सिंह में, गुरु वृषभ में, शुक्र कन्या में, शनि कुंभ में, राहु मीन में व केतु कन्या राशि में स्थित है। अब आज का चौघड़िया, आज का चौघड़िया है सुबह 6:26 से 7:58 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, फिर दिन को 11:02 से और दोपहर में 3:38 तक चल लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा, फिर दोपहर में 12:10 से 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, फिर शाम को 5:10 से और 6:41 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। अब राहु काल, आज राहु काल है दोपहर में 1:50 से 3:23 तक राहुकाल रहेगा, राहुकाल में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अब दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल व काल राहु दोनों ही होने से दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करें, अगर अति आवश्यक हो तो दही का सेवन कर यात्रा करें, परंतु पूर्व दिशा में सन्मुख चंद्रमा होने से पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा। तो दोस्तों यह था आज का विस्तृत संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए आप जुड़े रहें आपके अपने ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल से। जय श्री कृष्ण।